से लेकर और डिवीज़न के जो हेड हैं एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है कि आवाम के साथ इन हालात में ख़ास करके इनकी सुनवाई कर ले और कम अज़ कम जो है दिलासा देने के लिए यहाँ पर आना चाहिए। अगर कोई नहीं आया तो गलत हुआ है। और मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह जो अभी मैं 2-4 दिन में वापस जाऊँगा, जाके अपने जो हमारे काबिने के अराकीन हैं और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं और हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं, वो उनसे बात करेंगे इंशाल्लाह। जो भी हो सकते हैं आप अपने वसाइल में रहते हुए आप उनसे वो चीज़ें उन तक पहुँचाएँगे और इंशाल्लाह जो हमसे हो सकते हैं कुछ करने की कोशिश करेंगे। बाकी जो आप लोगों को पता है कि हमारे निगरान हुकूमत होने के नाते हमारे पास हमारे जो हाथ जो है इस वक्त तो बिल्कुल बंधे हुए हैं, चूँकि इलेक्शन करीब है और एक नोटिफिकेशन है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से जिसमें जो है जितने भी जो स्कीमें हैं जिनको हम जिसमें फाइनेंस इन्वॉल्व हैं पॉलिसी इन्वॉल्व हैं वो हम कर नहीं सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि इनको जो है प्रायोरिटी बुनियादों पे उसको लेके उसको और क्या कहते हैं इमरजेंसी सिचुएशन में उसको टेकल करना है जो है जिससे इकबाल हसन के उसमें है रखा हुआ। अच्छा, तो उसको भी इसी इलेक्शन की वजह से उन्होंने डिले किया हुआ है। ठीक है, नहीं मैं कुछ इमरजेंसी हमने डिक्लेयर नहीं, मैं ये करता हूँ, अगर इकबाल हसन साहब ने, मुझे नहीं पता कि उन्होंने रखा हुआ या नहीं रखा, अल्लाह करे रखा हुआ, अगर पैसा आया हुआ है तो फिर इंशाल्लाह मैं चीफ सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर से बात करता हूँ इसको जो है फौरी तौर पर जो है इमरजेंसी बोलूँगा क्योंकि ये बड़े इमरजेंसी की सिचुएशन है, इसको मीट करने के लिए इंशाल्लाह उसको हम जो है रिलीज़ करवाने की कोशिश करेंगे ताकि कुछ ना कुछ आप लोगों के इधर आ जाए तो फिर कुछ कम अज़ कम ये जो कटाव का जो सिलसिला जारी है कम अज़ कम किसी हद तक रुक जाए ना। वो ইবেলে মে ইভেন তো গভর্নমেন্ট আমি দি নে আদে আই হোপ ই কেভিন দ্যাট হ্যাভ দ্য কেভিন নে উডু বি নি দা আম নতান জন রে না 5 কারার গিতা আজে মদি আমল তো হসে দে জি আবি সিঙ্গা মে রে তোমরা আখে না নতান নে না আর আলু নকে মে থাঙ্গাল দুগসা লাতে মে আখে দিও মে ইনসাফ জি মোকে হে উডু বি বেত গো টু আর গো গো ফামাত নো আমা কোন্ডে লা মাইপিন হ্যাঁ হে জি কোন্ডে চুয়েরা নকি সুয়েরা এই তুই যে গোট খেয়ে গো ও হো দুব দিতে আজ মাসার নাই কুশমেত কেমন কম কেমন কম দিন চার লাখ কারা চুপিয়াত খেতে গে তুমি দেখো নেই और हम यहाँ की बेहिस इंतज़ामिया जो कि आज से 5 साल हो रहे हैं हमारी इतनी ज़मीनें कट चुकी हैं तकरीबन 5,000 कनाल और तकरीबन 1.5 लाख दरख्तान और इसके अलावा ग्रीन हाउसेस और उसके अलावा मवेशी खाने थे ये तो कोई हिसाब ही नहीं है जो कटे हैं, तो उन्होंने आज तक इस एरिया को कोई ख़बर ही नहीं लिया। जब भी हम इनके ऑफिस वगैरह में कोई दरख्वास्त लेके जाते हैं तो ये यही कहते हैं कि ये हमारे बस का काम नहीं है, वो हमें पाकिस्तानी समझते हैं या नहीं समझते, वो उनसे आप मीडिया के हवाले से पूछ लें कि ये हमारी जान माल का तहफ़ करना उनकी ज़िम्मेदारी है या नहीं है। तो बाकी हम यासीन भाई का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस मुश्किल घड़ी में हमारे आके ख़बर ली, तो यहाँ पर हम अपनी किसी नुमाइंदे को भी आज तक नहीं देखा है इंतज़ामिया का, तो आप 5 साल से हम इस एरिया में उनका चेहरा ही नहीं देखा है। उनकी हालात तो ये हैं कि इनके अपने स्लाटर हाउस है तकरीबन 1.5 करोड़ की बनी है, उस स्लाटर हाउस अभी तकरीबन 19 फुट उसका चला गया पानी में, उनको ये पता नहीं है कि ये स्लाटर हाउस पानी के जद में है, तो हमारी ज़मीनों का और हमारी चीज़ों का तो उनको क्या ख्याल है। نایا چوندس ہی باشندین جو علاقہ چوندس دیکھ چد تقریباً اون ادھر سے ادھر تک 4-5 ہزار کنال رابع پانی نے لے گیا، ابھی ہم لوگ کو مجبور ابھی گھروں سے نزدیک پہنچے پانی، نہ گورنمنٹ ادھر کچھ دینے کے لیے آتے ہیں نہ ہمارے حوصلہ کے لیے نہیں آتے ہیں، حوصلہ آپ ضعیف تو گورنمنٹ کر سکتا تھا وہ بھی نہیں کیا، کوئی بھی نہیں آتے ہیں ना हमारे तरफ से, हमारे बल्तिस्तान के बड़ा बड़ा उलमा है उन लोग भी तरफ से हमारे तसली के लिए उलमा आकर कुछ दुआ दुरुद दुआ वहाँ पढ़ने के कुछ कर सकता था वो भी नहीं आता है, और हुकूमत ने डीसी कभी नहीं देखा है, न कमिश्नर नहीं देखा है, न एसी नहीं देखा है, न तहसीलदार नहीं देखा, कभी आए नहीं। हम ये दरिया किनारे पर हम ये गरीब लोग सारा इधर है, दिन भर हम इधर बैठते रहे, सिर्फ हमारे लिए रिक्वेस्ट ये है या फौजी बड़ा जनरल वो आकर ज़रा कुछ दे दिया तो हमारे लिए सहूलियत है, नहीं तो नहीं एक तो अभी निगरान हुकूमत में कर कुछ कर सकता है तो निगरान हुकूमत में कुछ करेंगे
जिनको तवज्जो है, उन्होंने कुछ किया नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, किसी ने भी कुछ भी नहीं किया। पाँच साल मुकम्मल हो गए इस साल से, कोई भी नहीं आया, कोई भी देखा नहीं। दो दफा पहले वाले डीसी आया है, कमिश्नर भी इधर आया है, बस इसको कुछ करो, वो खुद नहीं कर, वो बोलते उधर से दरिया, ये दरिया सिंध उधर क्वारों वाले ने बंद लगाया है, तुम्हें नहीं लगा सकते, मैं आपका अंग क्या है, ये ये तीन दरिया है, बड़ा दरिया वो छोटा दरिया है, वो तीन दरिया से इधर पानी आता है, इसको किसको कुछ कर सकता है, कुछ नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट इमदाद जो अभी करूँ, दो एक मवाशी खाना, एक बहने के लिए कमरा था, गाड़ी रहने के लिए गराज था, वो दो दो दिन के अंदर वो भी ले गया, वो पिछले साल वो मवाशी खाना पिछले साल ले गया, इधर ग्रीन हाउस था वो भी इस साल चार ग्रीन हाउस, उधर इधर तक चार ग्रीन हाउस वो सारा वो भी ले गया पानी ने, मगर शीशे बीशे लोन निकाला, बाकी देवर सेवर ले गया, लकड़ी सकड़ी भी ले गया। अभी इधर से काटे काटे हम लोगों ने कुछ काट के निकाला है, कुछ पानी में ले गया है, हमारे काबू से बाहर होके।